Hello, students. Good morning. This is your EVS class, and I am a teacher Smriti Miss. And today, in EVS class, we are going to revise chapter 10, our neighborhood. Okay, we have already learned this chapter and we have completed the chapters till 15. So, this is your revision class, and we are revising chapter 10. Okay, so now let's start. So, students, neighborhood, our neighborhood, ko neighborhood matlab surrounding area. ओके अफार हाउस ओके हमारे घर के आसपास के जगहों को बोला जाता है नेबरहुड ओके okay? आसपास की जगह जो हमारे घर के चारों ओर फैला हुआ रहता है उसे बोला जाता है नेबरहुड और जो हमारे घर के आसपास में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग नेबर्स ओके पड़ोसी हिंदी में पड़ोसी बोलते हैं ओके सो आज हम लोग फिर से ये नेबरहुड चैप्टर का रिवीजन करेंगे कि नेबरहुड क्यों इम्पोर्टेंट है है ना नेबरहुड में हम लोग को क्या क्या मिलती है क्या क्या चीज़ें मिलती है इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है ना हम लोग को अपना नेबरहुड का ख्याल क्यों रखना चाहिए ये सब चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ओके सो नाउ लेट अस डिस्कस प्लेसेस इन आर नेबरहुड ओके सो स्टूडेंट्स प्लेस इन अ नेबरहुड अ नेबरहुड हैज सम्पोर्टेंट प्लेसेज नेबरहुड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जगह होते हैं ठीक है जैसे कि मार्केट ओके मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है नेबरहुड का क्योंकि मार्केट में हम लोग को क्या मिलती है बहुत सारे हमारे ज़रूरत की चीज़ें मिलती है. जैसे कि मार्केट हैज शॉप्स विच सेल मेनी थिंग्स देर आर स्टेशनरी शॉप्स केमिस्ट शॉप्स एंड वेजिटेबल सेलर्स इन अ मार्केट तो आप लोग को मार्केट अगर आप लोग मार्केट जाएंगे तो आप लोग को दवाई का दुकान है ना किराने का दुकान मतलब किताबों का दुकान है ना या फिर सब्जियों का दुकान सब चीज़ मार्केट में आप लोग को अवेलेबल मिलेगा है ना तो ये सब चीज़ें मार्केट वगैरह ये सब चीज़ें हमारे नेबरहुड में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है है ना ह्यूमन बींग इज़ अ सोशल बींग इंसान एक सोशल बींग बोला जाता है इंसान को और इंसान अकेले नहीं रह पाता है ओके okay, आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि इंसान को अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अकेले रह सकते हैं मेरे पास बहुत सारा पैसा है मैं अकेले रहूँगा तो ये सब चीज़ गलत है ठीक है जैसे कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपको एक जंगल के बीच में ले जा छोड़ दिया जाए जहाँ पे ना आपको खाने की सुविधा है ना पहनने की सुविधा है ना पीने का चीज़ है कुछ नहीं है तो आप लोग पैसा लेके क्या करेंगे है ना आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो सेम चीज़ है कि हम लोगों को इंसानों को रहने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत हमेशा पड़ती है ठीक है और नेबरहुड मतलब हमारे आस पड़ोस के लोग और हमारे आस पड़ोस की जगहों का हम लोग का बहुत ही ज़्यादा हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है ओके अगर मार्केट वगैरह नहीं होगा तो हम लोग सामान कहाँ से खरीदेंगे है ना जैसे कि कब कहीं कहीं इंडिया में अभी तो ज़्यादातर डेवलप हो गया है लेकिन फिर भी ऐसी जगह है गांव है जहाँ पर दूर दूर तक कोई जैसे कि स्कूल्स कॉलेजेस है ना हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है मार्केट प्रॉपर मार्केट नहीं है कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए भी लोगों को मीलों दूर चल के जाना पड़ता है ना प्रॉपर रोड है ना प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर है तो ये सब चीज़ें बहुत सारा अभी भी कहीं जगहों में नहीं है ठीक है तो हम लोग को एक्चुअली थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे प्लेसेस में हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं है है ना तो हमारे एरिया में हम लोग को सब चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाता है मिल जाता है ओके सो अनादर थिंग इज पार्क

लोगों को टहलने के लिए जॉगिंग करने के लिए वॉक करने के लिए है ना आसानी होता है क्योंकि हम लोग मेन रोड में वॉक करने के लिए नहीं जा सकते जॉगिंग करने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि मेन रोड्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा बिजी रोड ज़्यूरत है। ज़्यूरत है है ज्यादा होता है और गाड़ी वगैरह चलता रहता है और वहाँ पर पल्यूशन का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गाड़ी वगैरह से धुआ निकलता रहता है तो पार्कस वगैरह एक्चुअली शांत एरिया में होता है ओके विलेज एरिया में तो ज़्यादातर पार्क्स वगैरह नहीं होता है लेकिन सिटीज़ में हम लोग देख सकते हैं पार्क्स वग़ैरह बहुत सारा बड़ा बड़ा पार्क्स वगैरह भी रहता है क्योंकि सिटीज़ में ज़्यादातर प्रॉपर खेलने के लिए बच्चों के लिए जगह ही नहीं होता है जॉगिंग करने के लिए वॉक करने के लिए जगह नहीं होता क्योंकि सिटीज़ बहुत ही बिज़ी है बिजी शहर है बड़ा सा शहर है ना बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग इतने सारे इतना ज़्यादा बिजी होते और किसी के पास टाइम ही नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं रोड वगैरह पे तो वो लोग नहीं चल पाते जॉगिंग नहीं कर पाते ना तो पार्क्स में जाके जॉगिंग करते वॉक करते बच्चे लोग पार्क में जाके खेलते हैं ना तो क्योंकि सिटीज़ में इतना सारा मतलब फ्लैट्स वगैरह जहाँ पे भी देखो शॉपिंग मॉल फ्लैट वगैरह घर वगैरह बना रहता है खेलने के लिए मतलब प्रॉपर जगह ही नहीं होता है तो इसलिए बच्चे को पार्क में ले जाके खेलने खेलने के लिए पार्क में जाते हैं बच्चे लोग ओके तो ये पार्क्स वगैरह भी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे नेबरहुड में ओके क्योंकि पार्क से बहुत सारे पेड़ पौधे लगे रहते हैं ना तो वहाँ से हम लोग को फ्रेश एयर मिलता है अर्ली मॉर्निंग में हम लोग को पार्क में जाके एक्सरसाइज करने से हम लोग को मतलब फिट एंड हेल्दी महसूस होता है ओके सो नाउ लेट्स सी सम अदर पॉइंट्स टू नाउ अनादर पॉइंट इज़ पोस्ट ऑफिस ओके पोस्ट ऑफिस भी मतलब हमारे नेबरहुड में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ही जितना सारा सामान वगैरह लेटर्स वगैरह है ना कुरियर्स वगैरह हम लोग दूसरी जगह से अपने घर वगैरह में भेजते हैं वो पोस्ट ऑफिस में जाता है ठीक है और पोस्ट ऑफिस से ही पोस्टमैन क्या करता है घर घर पहुंचाता है क्योंकि जितने भी लेटर्स वगैरह है ना ये सब चीज़ आप लोग को कोई भी अगर भेजता है तो डायरेक्ट आपके घर पर सीधा नहीं आता पहले जाके आपके एरिया के पोस्ट ऑफिस में पहुँचता है ठीक है और वो पोस्ट ऑफिस में पहुँचने के बाद वहाँ पर कौन कौन सा एरिया जैसे सूर्यगढ़ा हो खी हो है ना मुंगेर हो रामनगर हो तो वो एरियाज़ में पहले पोस्ट ऑफिस में जाता है और उसके बाद वहाँ का पोस्टमैन वो सब एरियाज में वो क्या करता है लेटर्स वगैरह पोस्ट कार्ड्स वगैरह वो पहुँचाता है ओके तो अपने नेबरहुड में पोस्ट ऑफिस का होना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़रूरी है ओके और पोस्ट ऑफिस में हम लोग स्टैम्प्स ख़रीद सकते एनवलप्स खरीद सकते पोस्ट कार्ड्स वगैरह भी खरीद सकते ओके तो आप लोग भी अपना जब भी आप लोग अपना एड्रेस लिखते हैं तो पी ओ लिखते ही है, है ना आप लोग को पता ही क्योंकि अपना एड्रेस में हम लोग का पोस्ट ऑफिस का पोस्टल एड्रेस भी देना ज़रूरी होता है तो हमारे नेबरहुड में अगर पास में ही पोस्ट ऑफिस है तो हम लोग को बहुत ही सब चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ही आसानी होती है ओके ना अनादर वन इज पुलिस स्टेशन ओके सम नेबरहुड्स ऑल्सो हैव अ पुलिस स्टेशन द पुलिस ऑफिसर्स हेल्प टू कीप द नेबरहुड सेफ अब देखिए कोई कोई जगहों में जैसे कि पुलिस स्टेशंस भी होते हैं थाना ओके पुलिस चौकी भी होती है ठीक है और ये पुलिस स्टेशन होने की वजह से क्या होता है हम लोग को सेफ़ फील होता है और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स वग़ैरह होता है वो उस एरिया का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह सब चेक करते रहता है ठीक है और वो सेफ़ रखता है पुलिस ऑफिसर्स वग़ैरह उस एरिया को सेफ़ रखता है और पुलिस स्टेशन होने की वजह से जैसे कि कोई क्राइम वगैरह भी मतलब जल्दी नहीं होता है ठीक है सब लोग मतलब अपने कानून के दायरे में ही रहता है ओके तो पुलिस स्टेशंस वगैरह होने से हम लोग ज़्यादातर सुरक्षित फील करते हैं ओके अनादर येस हॉस्पिटल ओके okay? अब ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल क्योंकि सब ना सब लोग कभी ना कभी बीमार तो पड़ते ही है ना या चोट लगता है तो अगर हॉस्पिटल्स क्लिनिक वगैरह पास होता है तो क्या होता है हम लोग को ट्रीटमेंट मतलब जल्दी हो जाता है ठीक है जैसे कि अगर मुझे चोट लगा है तो अगर मतलब हॉस्पिटल एकदम पास में है तो तुरंत जाके हम अपना इलाज कर सकते हैं ठीक है लेकिन दूर अगर बहुत दूर है पास में हॉस्पिटल्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करना पड़ता है जाते जाते ही मतलब क्या हो जाता है कभी कभी आप लोगों ने भी सुना होगा हॉस्पिटल्स वगैरह प्रॉपर हॉस्पिटल्स वगैरह क्लिनिक्स वगैरह नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है बीमारियों की वजह से है ना तो हॉस्पिटल्स होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर पास में हॉस्पिटल्स नहीं हो तो हम लोग को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ओके जैसे कि सिटीज़ में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स हैं लेकिन विलेजेस में ज़्यादातर हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छा नहीं होता है साफ़ नहीं होता है गंदा होता है ना डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होता है तो ये सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी हम लोग को परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है ओके तो अच्छे हॉस्पिटल्स का होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नेबरहुड में ओके दूसरा है बैंक्स ओके दूसरा टॉपिक है बैंक्स आप लोग को पता है ये बैंक्स मतलब जहाँ पे हम लोग अपना वैल्यूएबल्स पैसा वगैरह रखते हैं गोल्ड वगैरह रखते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग घर में ये सर नो घर में ज़्यादातर पैसे नहीं रखते घर में सिर्फ थोड़ा सा ही पैसे रखते हैं जिससे हम लोग मतलब रोज़मर्रा के सामान खरीदने वाले पैसे ही ज़्यादा रखते और उससे ज़्यादा लेकिन हज़ार से दस हज़ार बीस हज़ार घर पे लोग नहीं रखते क्योंकि कभी भी चोरी होने का डर रहता है ना तो ये सब चीज़ों के लिए अपना पैसा वगैरह वैल्युबल्स गोल्ड वगैरह ऑर्नामेंट्स वगैरह ज्वेलरी जितना भी वो सब चीज़ सेफ़ रखने के लिए हम लोग ज़्यादातर बैंक्स वगैरह में पैसा भी रखते हैं और बैंक में ही लॉकर बनाकर क्या करते हैं अपना ज्वेलरी वगैरह भी रखते हैं ठीक है तो बैंक में ये सब चीज़ रखने से हमारा सामान क्या रहता है सेफ रखता है रहता है ओके और पैसे भी जब हम लोग को ज़रूरत होता है तो हम लोग क्या करते हैं एटीएम मशीन से निकाल लेते हैं ठीक है एटीएम मशीन से हम लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं ओके अनदर इज़ फायर स्टेशन मतलब फायर ब्रिगेड का ऑफिस भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर कभी कभी गलती से आग वगैरह लग जाएगा तो फायर ब्रिगेड क्या कर सकते हैं आग बुझाने के लिए आते हैं है ना और लोगों की जान बचाते हैं ओके लेकिन अगर फायर ब्रिगेड फायर स्टेशन पास में नहीं है तो क्या होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा है ना आग लग जाने से है ना तो इसीलिए फायर स्टेशन वगैरह का भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो हमेशा हम लोग को ये नेबरहुड में ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए स्कूल्स है ना एजुकेशन प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी हॉस्पिटल्स पुलिस स्टेशन पोस्ट ऑफिस फायर स्टेशन ये सब चीज़ों की सुविधा होना ज़रूरी है सिटी सिटीज़ में तो ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट अवेलेबल रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन हम लोग ज़्यादातर विलेजेस में ये सब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं विलेजेस में ये सब चीज़ें नहीं होती है है ना तो ये सब चीज़ों में हम लोग को दिक्कत होता है फेस करने में ठीक है तो हमें ये सब चीज़ें होना हमारे मतलब नेबरहुड में ये सब चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ओके सो अनदर पॉइंट इज़ टेकिंग केयर ऑफ आर नेबरहुड ओके इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू कीप आवर नेबरहुड क्लीन हमें अपना नेबरहुड हमेशा क्लीन रखना चाहिए साफ रखना चाहिए वी कैन कीप आवर नेबरहुड क्लीन बाई फॉलोइंग सम रूल्स

है ना मतलब जितने भी कचरा वगैरह इधर उधर फैलाना नहीं चाहिए डस्टबिन में फेंकना चाहिए ड्रेन मतलब नाली वगैरह साफ़ रखना चाहिए गंदगी नहीं फैलानी चाहिए क्योंकि वहीं से ही क्या होता है मतलब डेंगू मलेरिया वाला मच्छर वगैरह फैलता है और बीमार कर देता है सबको है ना तो हमें हमेशा अपना नेबरहुड क्लीन रखना चाहिए प्लांटेशन प्रोग्राम वगैरह बनाना चाहिए सब लोग सोसाइटी के सब लोग मिल पौधा वगैरह लगाने का काम वगैरह सफाई करने का काम वगैरह ये सब चीज़ें हमारे नेबरहुड के सब लोग मिल अपना नेबरहुड को साफ़ कर सकते हैं सुरक्षित रख सकते हैं ओके सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एंड वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर ओके सो थैंक यू एंड हैव नाइस डे